जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की टेस्ट सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ में आज चौथा पार्ट है और वो भी आपके चौथे चैप्टर मानव विकास। आपको इस टेस्ट में अच्छे से भाग लेना है, प्रश्न को अच्छे से समझकर उत्तर देना है और साथ में मैं भी हल करवाता हुआ चलूँगा। मेरा अभी ये उद्देश्य है भी मेरे स्टूडेंट्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको हर चीज़ अपने आप समझ भी आ जाएगी, याद भी रहना है वो स्टार्ट हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आप अपने स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR है वो कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच? सोचिएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही, सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं UNDP। इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, 1990 में मानव विकास सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया? 1990 में HDI है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? आपको पता है सबसे पहले 1990 में ही ये काम शुरू हुआ था। एलन सैंपल, अमर्त्य सेन, रेड जेल या डॉक्टर महबूब उल हक? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर जो आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हो वो है डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर महबूब उल हक, 1990 में HDI है वो इनके द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा है कि विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति के लिए आधिकारिक माप घोषित किया है? नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का जो पैमाना है वो घोषित किया, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भारत, भूटान, नॉर्वे और नेपाल। क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही, सही उत्तर है वो है भूटान। ऐसा भूटान देश में किया गया है, एकमात्र देश है दुनिया का। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? प्रश्न की भाषा समझ लीजिएगा, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 यानी HDR 2020 में ये बताना है भी एक नंबर पर कौन सा देश रहा। तो बिल्कुल सही, सही उत्तर है नॉर्वे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब तक जितनी रिपोर्टें प्रकाशित हुई है HDR की, सब में नॉर्वे जो एक यूरोपीय देश है हमेशा अव्वल रहा है। और 2019-20 वाली रिपोर्ट की बात करें तो इसका जो HDI का जो मूल्य है वो भी अगर आप ध्यान देना चाहें तो 0.957 रहा है। तो इस अंक के साथ, क्योंकि HDI का जो मूल्य होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, तो 0.957 के साथ नॉर्वे टॉप रहा है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड है वो दूसरी पोजीशन पर रहा है, और आयरलैंड है वो भी दूसरी पोजीशन पर है। दोनों का जो जो माप है 0.955 वो सेम है, तो आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है ये दोनों ही सेकंड रैंक के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 8वें नंबर पे आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। प्रश्न की भाषा समझ लीजिएगा, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन वाइज देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ये बात सही है या गलत है, सोचते चले साथ में। तो ये पॉइंट है वो सही है। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब ये तो सही है, हमें गलत बताना है। फिर एक मानव विकास सूचकांक स्कोर
एक के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होता है। अब इस पर सोचिएगा सही है या गलत। आपको पता है HDI सूचकांक 0 से 1 होता है, जितना एक के पास जाएगा मान, जैसे नार्वे का 0.957 है तो उसमें नार्वे टॉप रहता है, जबकि यहाँ ये क्या कह रहा है इस ऑप्शन में, कि एक के जितने निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होगा। क्या ऐसा संभव है? इसका मतलब ये गलत है। अगला ऑप्शन देखें इसमें क्या है, अगला प्रश्न ऑप्शन तो इसने उपरोक्त सभी दे दिया, तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन 3, भी निम्न नहीं होता बल्कि एक के निकट होता है तो उसका मान उच्च होता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे कंसेप्ट भी क्लियर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, ये बताना है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार बताइएगा, 129, 130, 131 या 132वां कौन सा स्थान होगा भी 2020 के आंकड़ों के अनुसार? तो बिल्कुल सही, और वो है 131वां स्थान है भी, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां, क्या मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च श्रेणी के मानव विकास सूचकांक में कितने देश शामिल है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अति उच्च श्रेणी के मानव विकास के बात कर रहे हैं, 33, 37, 53 या 66। तो अति उच्च श्रेणी जो किससे होती है, 0.80 से ऊपर वाली होती है, और इसमें कितने देश हैं, बिल्कुल सही, और वो है 66 देश है भी, जबकि 2018 की बात करें तो 59 देश थे, 2020 में 66 देश इसके अंदर शामिल है। लगे आप ये भी ध्यान रख ले, अगर उच्च श्रेणी की बात करें तो 53 है, मध्यम श्रेणी की बात करें तो आपके है वो 37 है मध्यम श्रेणी के, और निम्न श्रेणी के पूछ ले तो 33 है। तो 7वें का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, उच्च मानव विकास यानी 0.80 से ऊपर वालों की बात, जिसमें टोटल 66 देश आते हैं, उच्च मानव विकास वाला नहीं है, और उच्च भी शामिल कर लेते हैं 0.7 से 0.799 वाले, तो 53 देश उसमें हैं। तो इनमें से आपको ये बताना है कौन सा उच्च मानव विकास वाला नहीं है। आपको पता है नार्वे टॉपर है, स्विट्जरलैंड 2 नंबर पर आता है, ऑस्ट्रेलिया 8 नंबर पर आता है, और भारत का कौन सा स्थान है 2020 में 131वां हो गया, तो कौन सा नहीं है फिर इसमें, भारत शामिल नहीं है, क्योंकि भारत किस कैटेगरी में आता है, भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा भारत किस श्रेणी में आता है, मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंदर शामिल रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मानव विकास के मापन का आधार नहीं माना जाता है, मानव विकास के मापन का आधार इसमें से किसे नहीं माना जाता, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद, क्या होगा सही उत्तर, नहीं माना जाता ये बताना है। तो शिक्षा तो है ही, आपको पता है, स्वास्थ्य भी है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तभी तो संसाधनों तक पहुंच हो पाती है भाई, तो कौन सा शामिल नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद ये शामिल नहीं रहता इसके अंदर, तो 4था इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, क्या मानव विकास सूचकांक के क्रियान्वयन में किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान रहा है, अमर्त्य सेन, रंगराजन, मनमोहन सिंह या सुब्रमण्यम, HDI के क्रियान्वयन में किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान रहा है, HDI के क्रियान्वयन में क्या होगा सही उत्तर, बिल्कुल सही आंसर आपका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब उल हक के अच्छे दोस्त भी, दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया, लेकिन दोनों में से एक चूज करना होता है, तो जब हम HDI की बात करते हैं तो महबूब उल हक, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में भारतीय अर्थशास्त्री पूछा है तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात आती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन, कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो सही उत्तर क्या होगा, और वो है गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है, वो विकास को शो करता है।
अच्छे से आपको वृद्धि और विकास का अंतर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है, ऐसा ही क्वेश्चन अपना ऊपर आ चुका है। मानव विकास अवधारणा में किस विद्वान की देन है, एक नाम चूज करना है तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे, दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो सकता है, सही बताना है इसमें से, दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, बिल्कुल इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं भी ये सही है, ज्ञान अर्जित करना, शिक्षा ये भी आ गई, शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना ये भी है, तो इसका मतलब महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो गए, फिर चारों ही हो गए उपर्युक्त, सभी इसका उत्तर हो जाएगा 13वें का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना ये क्या कहलाता है, मानव विकास के अंतर्गत समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता या सशक्तिकरण क्या कहलाता है भाई, सशक्तिकरण का क्या मतलब होता है, सशक्तिकरण का मतलब होता है अपना रास्ता चुनने की खुद के पास क्षमता हो, वो सशक्तिकरण होता है। उत्पादकता क्या होता है, वो तो मानव श्रम उत्पादकता के आधार पर मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता होती है भी, यानी लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादन में वृद्धि करने की बातें आती है इसमें, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही समता होगा भी, समता का मतलब है व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, और लोगों को उपलब्ध जो अवसर है वो लिंग, प्रजाति, आय या किसी जाति भेदभाव के बिना समान रूप से हैं वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, तो इसका एक नंबर उत्तर हो गया। 15 क्वेश्चन देखिए, 15वां, निम्न में से मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है, चार उपागम पढ़े आपने, आय, कल्याण, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, तो यहां सबसे पुराना उपागम आपको बताना है, अप्रोचेज बतानी है, मानव विकास के चार उपागम होते हैं तो क्या होगा सबसे पुराने की बात आई तो, और वो है ऑप्शन 3, आय उपागम, आय उपागम, इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर है वो देखा जाता है भी, आय का स्तर ऊंचा है तो इसका मतलब मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है, तो ये सबसे पुराना उपागम है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो गया। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया था, कल्याण, क्षमता, आय या आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसका सही उत्तर क्या है वो होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या होगा इसका सही उत्तर, और बिल्कुल सही उत्तर है आधारभूत आवश्यकता उपागम, और इसमें आप है ना वो 6 न्यूनतम जो आवश्यकताओं की बात कही गई है वो भी जरूर ध्यान रखिए, एक तो इसमें क्या कहा गया, स्वास्थ्य की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है, भोजन की बात की गई है, जलापूर्ति की बात की गई है, स्वच्छता की बात की गई है और आवास की बात की गई है, तो 6 न्यूनतम आवश्यकताओं का जिक्र भी इसके अंतर्गत किया गया है, तो उनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां, कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया है, चारों उपागम फिर लिख दिए हैं मानव विकास के, आय, कल्याण, आधारभूत आवश्यकता वाला और क्षमता वाला, तो इसमें से किसका संबंध है वो अमर्त्य सेन से रहा है, सही उत्तर बिल्कुल सही, और वो है क्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोचेज की बात आती है, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, क्योंकि क्रय शक्ति बढ़ेगी तो क्षमताएं है वो बढ़ती है, तो क्षमताएं बढ़ाने के लिए क्रय शक्ति बढ़ानी होती है, तो ये अमर्त्य सेन से संबंधित है ये उपागम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां, कि निम्न में से किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि, या आप कह दो प्रतंत्रता में, यानी जो गुलामी है उसमें कमी के रूप में देखा, किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय है वो स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा, महबूबुल हक, रामनाथन, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं,
तो सही उत्तर क्या है, वो है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। तो 18वें का सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? सतत पोषणीयता का, खनिजों की सतत पर्याप्तता, अवसरों की सतत यानी लगातार पर्याप्तता, खाद्यान्नों की सतत पर्याप्तता या संरक्षण की सतत पर्याप्तता। तो सतत पोषणीयता, ये शब्द हम मानव विकास के अंतर्गत यूज करते हैं, उस आधार पर आप बताइएगा सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि अपना चैप्टर मानव विकास से जुड़ा है और वो है सही ऑप्शन 2। अवसरों की सतत पर्याप्तता की बात कही जाती है सतत पोषणीयता के अंतर्गत, जो कि मानव विकास के 4 स्तंभ आप पढ़ते हो, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मानव गरीबी सूचकांक के मापक में शामिल नहीं है? एक तो हम HDI पढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक, यहां पर हम एक नया सूचकांक पढ़ रहे हैं और वो कौन सा है, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स HPI। इन दोनों के सूचकांक ही कौन जारी करता है, UNDP ही जारी करता है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब मानव गरीबी सूचकांक की बात आती है तो इसमें कौन से मापक शामिल नहीं है ये बताना है। तो आपको अच्छे से पता है भी कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है, तो प्रौढ़ निरक्षरता दर, इसको इसमें शामिल किया जाता है, कम वजन वाले बच्चों की संख्या को इसमें शामिल करते हैं, और पेयजल का अभाव है कितना क्या है वो चीजें इसमें शामिल करते हैं, और शिक्षा, तो शिक्षा तो हम किस में शामिल करते हैं, HDI में शामिल करते हैं भी, HDI में शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम की बात आती है, तो HPI में एजुकेशन की बात है वो नहीं की जाती है। और ध्यान रखिएगा ये जो HPI है अपना, ये HPI है वो मानव विकास में कमी को नापता है, मानव विकास में कमी को मापने वाला इंडेक्स कौन सा है, वो HPI है, और ये एक बिना इनकम वाला माप है, क्योंकि इसमें इनकम की बात नहीं की जाती। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी को दर्शाने के लिए हम 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने वाले की संख्या की बात करते हैं, प्रौढ़ निरक्षरता की, स्वच्छ जल तक नहीं मिलने वाले लोगों की संख्या की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती है। तो मानव गरीबी सूचकांक जो होता है वो मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी को प्रकट करता है, ध्यान रखिएगा। और मानव विकास के ये जो दोनों माप हैं HDI और HPI, ये दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन करते हैं तो किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ यानी वास्तविक चित्र है वो प्रस्तुत हो सकता है। तो इसका सही उत्तर अपना 4 नंबर ऑप्शन हो गया। तो ये थे आज के अपने 4th चैप्टर के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे तरीके से इनको अटेम्प्ट किए होंगे। अब आप अपने स्कूल का नाम लिखते हुए आप इनको नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो वीडियो में कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा। लाइव में आप पहले लिखे चाहे नहीं लिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे भी पता चले मेरे होनहार कहाँ तक चल रहे हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है भी हाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से अपना मूल्यांकन करने को लालायित है वो रहते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है सिद्धि विनायक संगरिया, कोई भी लेटेस्ट सूचना या विशेष बातें हैं तो वो यहाँ पर भी मैं अपलोड करता हूँ। चलिएगा अब अगले शनिवार को आपका जो 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर कौन सा, प्राथमिक गतिविधियों वाला, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर है। तो अगले शनिवार को, हर शनिवार को अपना टेस्ट होता है शाम को 5 बजे, बाकी आपकी जब भी उचित समय मिले आप टेस्ट को जरूर हल कीजिएगा, उससे आपको टॉपिक सीखने में समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगले शनिवार को आपके 5वें चैप्टर प्राथमिक क्रियाओं का टेस्ट है वो आयोजित होगा, तो अच्छी से प्रिपरेशन है वो कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।